ऐसा प्री वर्कआउट है जो जिसका ब्रांड अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। डोंट मेक प्री वर्कआउट, आई नेवर डिड। ट्रस्ट योर कोच ब्लाइंडली एंड मेक श्योर योर कोच इज नॉट ब्लाइंड। ये बोल दिया भैया ने, वो बोल दिया भाई ने, ये बोल दिया सर ने। चिकन भी उसी तरीके से बना होना चाहिए जो आपने प्रेप में बनाया। क्या खा रही है? स्टेज विल बी देयर बट मेक श्योर यू आर मेंटली हेल्दी, यू आर मेंटली रेडी फॉर इट एंड यू कैन गिव 100%। सब चीजें शेयर करता हूँ लेकिन मैं बोलता हूँ कि जो बताना है बताना, न्यूट्रिशन पार्ट में मुझे कुछ मत बताओ। बिलीव वन अवर इंपॉर्टेंट है व्हेन यू ऑफ कोर्स हैव यू अनाउंस्ड इट। या ओके, सो यू डिसाइडेड टू गो। ऐसा प्री वर्कआउट है जो जिसका ब्रांड अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। इसे और ब्रांड ना? नो, नॉट माय ओन ब्रांड बट आई एम ट्राइंग, मतलब आई एम जस्ट फिगरिंग आउट कि, क्योंकि मैं ना जब मैं कुछ करता हूँ तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च करता हूँ। तो अभी मैंने ये ट्राई किया, इसके अंदर में जितने भी प्री वर्कआउट के इंग्रेडिएंट्स रहते अपार्ट फ्रॉम कैफीन, ये सब कुछ इसमें। सो कैफीन के लिए मैं कॉफ़ी ले रहा हूँ बिकॉज ऑब्वियसली आई नीड, अब प्रेप पे तो तुमको चाहिए, तो कॉफ़ी प्लस दिस। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ दो दो तीन तीन इंग्रेडिएंट्स, लाइक फॉर एन एग्जांपल सिट्रिलिन माइलेट एंड एलआरजिनिन एंड कॉफ़ी, देन सिट्रिलिन माइलेट एलआरजिनिन बीटालिन एंड कॉफ़ी। सो आई वांट टू सी हाउ इट गिव्स मी दैट किक इनसाइड व्हेन इट गोज। फिर एक दिन जब मेरा लाइट वर्कआउट रहेगा, आज तो मुझे अमित के साथ कर रहा हूँ तो आई हैज टू बी, तो जब मेरा लाइट वर्कआउट रहेगा व्हेन आई नो दैट यू नो बाइसेप मारना है, इतना स्ट्रेस नहीं है, सो दैट डे आई विल नॉट टेक कॉफ़ी and I'll see how it reacts. So jab, if something goes well, if something works out, then I'm glad I don't have a habit of caffeine. Huh? I don't take pre-workouts. I never did. No pre-workout? Never. No coffee, never. No nothing, nothing. Wow. Not, I have, maximum time I consume glutamine and EAA, that's it, during a prep. So during my entire prep. Glutamine. That's during it. Workout? That's it. Make, during workout. Okay. I'll make sure it's EAA. Okay. That's it. That's it. No pre-workouts, never did. Not even भाई, no caffeine, no coffee. Caffeine तो ऐसा है कि मतलब रात में 10 बजे भी पिला दो कॉफी पी लेंगे। You were used to it. मतलब glad I'm not used to it. Caffeine is like I feel tired but I guess मेरा इतना push कर देता हूँ। नहीं, मुझे वर्कआउट करने के लिए कैफीन नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे एक्टिवेट होने के लिए कैफीन चाहिए बिकॉज मेरी कॉफी का एडिक्शन और कॉफी से प्यार इतना है ना, मतलब बोल सकते हैं कि यही चीज़ें जो मुझे ज़्यादा पानी पीने पे मजबूर करती है बिकॉज कॉफी मेक्स कैफीन मेक्स यू डिहाइड्रेट। ड्यूरिंग ऑफ सीजन और समथिंग आई माइट हैव अ कोल्ड कॉफी जस्ट टू टेस्ट योरसेल्फ। आई नेवर, सिंपल ब्लैक कॉफी फॉरएवर 365 डेज फॉर द जिम पर्पस जस्ट टू टेक इट एज अ प्री वर्कआउट, आई नेवर यूज इट, नेवर डिड एंड नेवर आई वोंट। अमेजिंग, मतलब आज का वर्कआउट शूट करने का रीजन ही है कि अमित को बहुत सारे लोग जानते हैं, अमित इज़ द प्राइड ऑफ आर कंट्री, अमित इज अ गाय हु कम्पीटेड एंड क्रिएट अ हिस्ट्री एंड आई एम ग्लैड एज आई वॉज विटनेस देयर। भाई साहब ने प्रो कार्ड ओवरऑल तो जीता, उसके साथ में प्रो शो भी जीत गया, ओलंपिया के लिए भी क्वालिफाई हो गया, बट वीज़ा इशू की वजह से भाई नहीं जा पाए, वरना हम अभी इनको बैठ के देख रहे होते लास वेगस में। बट कोई बात नहीं, हमने बोला देखने से अच्छा हम मिलके वर्कआउट करते और बहुत सारी इसकी डीप बातें जानते, तो ये मेरे को लगता है बहुत कम लोगों को पता होगा, तो मेरे चैनल को आप लोग क्रेडिट दे सकते हो कि मैं बता रहा हूँ अमित नेवर टेक प्री वर्कआउट, नो कैफीन नो प्री वर्कआउट। आई फील कि कैफीन मेक मी लाइक बहुत ज़्यादा नींद खराब करता है मेरी, सो मेरा नींद मेरे लिए बहुत मैटर करता है। इफ आई डिडंट गेट अ प्रॉपर स्लीप नेक्स्ट डे आई नो आई वोंट बी हैव अ प्रॉपर डाइजेशन। आपको मैं मेरा कॉफी का एक किस्सा सुना था, मैंने पहली बार लाइफ में जब ब्लैक कॉफी पिया था ना, मैंने बोला पागल लोग होते हैं क्या कड़वी कॉफी पीते, पागल मतलब मरना वरना है क्या, मतलब यार आई यूज टू हैव अ लाते, मतलब दैट वॉज माई फेवरेट, लॉट ऑफ मिल्क लॉट ऑफ शुगर एंड कैफीन, पागल लोग, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं उसका एडिक्ट हो गया कि मैं वो कॉफ़ी की ब्लैक कॉफी। हेलो सर, हाउ आर यू? गुड। वो ब्लैक कॉफ़ी छोड़ के, मतलब लाते छोड़ के कब मैं ब्लैक कॉफ़ी पे आ गया और अभी इतना एडिक्ट हो गया, मतलब क्या बोल सकते हैं। मेरा ऑनेस्टली आई हैव कार्ब्स इन द फर्स्ट फोर मील्स एंड द लास्ट टू मील्स इज जीरो कार्ब्स, बट या आई हैव इनफ कार्ब, मुझे लगता है कि अभी तक के वो स्टेज पे नहीं पहुंचा जहाँ पे वीकनेस आ जाए। सो आपका कैसा फील होता है कि दो टू डेज हाई कार्ब्स देन वन डे नो कार्ब्स और लाइक सेम पैटर्न ऑफ लाइक वेरी ओल्ड स्कूल? ओके, लाइक आई नेवर ट्राइड अ टू डे कार्ब टू डे लो कार्ब्स एंड वन डे, आई डोंट ट्राई एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम द प्लान।
मतलब आई एम वेरी पर्टिकुलर टिल दैट सिंस आई जॉइन जॉर्ज फरा आई एम वेरी पर्टिकुलर मतलब उसने ये बोला अगर इसके अलावा अगर मैंने वेजीज भी एक्स्ट्रा खाया तो मेरे लिए चीट है. आई मेक श्योर दैट यू नो इवन जिम्स के अंदर में अगर कोई मुझे वर्कआउट में हेल्प कर रहा है या मुझे कोई फ्रेंड है मैं सब चीज़ें शेयर करता हूँ. लेकिन मैं बोलता हूँ कि जो बताना न्यूट्रिशन पार्ट में मुझे कुछ मत बताना बिकॉज वो एक फितूर भी नहीं चाहिए माइंड में. मतलब तुम ट्रेनिंग के बारे में बता दो मुझे चलेगा, तुम मेरे को पोजिंग के बारे में बता दो चलेगा, तुम कुछ भी बोलो चलेगा. न्यूट्रिशन के पार्ट में मुझे फितूर मत डालना. मैंने कभी ट्राई नहीं किया बगैर सीन बहुत सारे प्रोस करते हैं कि दो दिन लो कार्ब्स एंड वन डे हाई कार्ब्स. तो मुझे पता नहीं हो क्यों. आई गेस मोर ऑफ बॉडी मॉडर्न वे ऑफ आई थिंक इट्स जस्ट आई फील दिस एक्चुअली गिव अ लिटिल बिट. मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब तक कि आप सेटिस्फाई नहीं हो ना आपकी थॉट प्रोसेस से आपके प्लान से. वो बोलते हैं ना एज सून एज यू डिसाइड टू मेक अ फिजिक कि भाई आपने बॉडी बनाने का प्लान जहाँ बना लिया आधी बॉडी वहीं बन चुकी है. तो जब तक कि आप कोई भी प्लान से सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे ना तब तक क्यों आपको वर्क ही नहीं करेगा. You have to believe the plan. मतलब आई टेल यू आई नो पीपल हु ईट्स फ्रूट्स. मतलब शो के दिन पे फ्रूट खाते हुए देखा हूँ मैंने लोगों को. आई एम लाइक क्या खा रही है. बट इट्स देयर बिलीव सिस्टम. दे बिलीव इट एंड प्रोबेबली इट वर्किंग फॉर देम बट मुझे ट्राई भी नहीं करना है. हम लोग एक अच्छा शो करते हैं अच्छा पिक करते हाँ द टाइम भी फॉलो किया यार यही है अब यही करूँगा. मुझे लगता है कि एक मुझे राइस ही होता है कि बहुत सारे लोग अलग अलग वे ऑफ ओट्स खा लेंगे कार्ब लोडिंग में खा लेंगे बट आई स्टिक टू द बेसिक थिंग राइस. दैट्स द वे ओनली थिंग दैट्स द वे बिकॉज देर आर लेस चांसेस ऑफ गेटिंग स्पिल ओवर बिकॉज आपको पता है कि ये चीज़ आपने खाई है ये चीज़ से आपको अभी जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कोई कोई वेजीज ऐसे जिससे मुझे गैस होता है सो मैं प्रेप में नहीं लेता हूँ तो मुझे पता है वो होते तो कभी कभी. अच्छा मेरा एक प्रॉब्लम है मैं सेकेंड डे का राइस नहीं खाता मतलब कल का राइस आज खाऊंगा मुझे गैस होगा तो मुझे पता है. लेकिन अगर ये सब चीज़ें मुझे पता नहीं है और मैं शो पे अगर कल का गैस खा लिया राइस मेरे को गैस चालू हो गया मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो गया फिर आई एम फक्ड. सो यू शुड नो एंड यू शुड फॉलो सेम थिंग. इवन द मैटर ऑफ फैक्ट आपका चिकन भी उसी तरीके से बना होना चाहिए जो आपने प्रेप में बनाया था सेम इवन ऑन द लास्ट डे. भैया ने ये बोल दिया भैया ने वो बोल दिया भाई ने ये बोल दिया सर ने वो बोल दिया. मुझे लगता है यू शुड नॉट लिसन टू एनीबॉडी. किसी को बुरा लगता लगने दो. सिंपल लॉजिक ये कि बॉस ट्रस्ट योर कोच ब्लाइंडली एंड मेक श्योर योर कोच इज नॉट ब्लाइंड. बिलीव होना बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू ऑफ कोर्स इंसटेड ऑफ डाउटिंग आस्किंग अ क्वेश्चन. ओके यू हैव अ स्पेसिफिक क्वेश्चन. इसीलिए बोला ना कि कोई भी मुझे बोलता है ना मैं बोलता हूँ डाइट के बारे में मुझे न्यूट्रिशन पार्ट में बिकॉज वी आर ह्यूमन वो फितूर आ जाता है. एक्चुअली किसी भी इंसान को आप बोलोगे ना तो उसको एक पल के लिए वो सोचेगा शायद और वो जो शायद रहता है ना वो बहुत तकलीफ दे देता है. सो सिंपल इस बारे में ट्रेनिंग के बारे में बोलेगा ना दो सेट एक्स्ट्रा मार लूँगा दो वेरिएशन अलग मार लूँगा इसके क्योंकि ये क्या एक बार गया इसका कुछ इलाज ही नहीं है चला गया. उनको उतना नॉलेज है. I've seen I mean results with no doubt about it but yeah and the best part about me being strict to George Farah is because his major focus is always and always about health. Matlab pichle 2 saal mein maine usko kai baar bola I wanna prep. Wo mujhe bola if you are not mentally 100% ready because he knew that I'm doing multiple work so like nahi karna stage will be there but make sure you are mentally healthy. You are mentally ready for it and you can give 100%. It can't be like aaj maine try kar liya kal main kar leta. Bolta tujhe shape mein rehna hai to thoda bahut kar le koi problem nahi but if you wanna do the show you come to me when you are 100% ready. That is the reason when I decided ki mujhe ab stage jana hai wapas. So now I'm on the final urge of finalizing ki kaun sa show karna hai. Abhi tak ke to main sirf back in game aa raha tha to जब मैंने डिसाइड किया तो मैंने बोला कि यार मुझे सब चीज़ से कट ऑफ चाहिए थोड़े टाइम के लिए. इवन आई गेस आपके लास्ट शो में आप बहुत श्योर नहीं थे कि कौन सा शो खेलना है. समोसा कि दुबई शो खेलो. आई गेस दो तीन शो थे ऑल्टरनेट. आई वाज सपोज्ड टू कम्पीट एट दुबई शो अ वीक बिफोर. या अ वीक बिफोर एंड वो कुछ चीज़ें उस टाइम पर ऐसी चल रही थी कि मुझे एक हफ्ते पहले दुबई शो खेलना था और एक हफ्ते बाद ये शो खेलना था. तो मैं ये खेलूँ नहीं खेलूँ उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया.
But now you have a plan, 10 weeks, so you have to... I'm almost decided in my mind. I'm just waiting ki Bikki Paaji aa jaye, unko ek bar body dikha do. Ab wo India mein hi hai, to I guess in 4-5 days he's coming Mumbai to meet me. तो वो आएंगे तो उनको एक बार बॉडी दिखा दूँ एंड एज सुन एज ही सी ही गिव मी अ ग्रीन सिग्नल. देखो हिसाब सिंपल है, अगर वो बोलेंगे 2 हफ्ते में खेलना है तो मैं 2 हफ्ते में खेलूँगा, बोलेंगे 20 में खेलना है तो 20 में खेलूँगा, सवाल नहीं होता है. और मुझे लगता है कि ही इज द बेस्ट सेकेंड आई फॉर मी फॉर यू आई, मतलब मुझे उससे अच्छा कोई नहीं जान सकता इस इंडस्ट्री में. ही नोज इन एंड आउट अबाउट मी. मतलब अभी कुछ 2 दिन पहले की बात है, मैं कुछ बोल रहे थे मुझे, वो तो मुझे उन्होंने एक एक्सरसाइज ऐड करने के लिए बोली थी, तो मुझे बोली करी, मतलब पाजी हाँ कभी कभी झूठ मत बोल. एंड देन आई डिड एक्चुअली 3 डेज आई डिड द एक्सरसाइज ही सेड एंड आई कुड सी द रिजल्ट एंड इज लाइक देखा हाँ सॉरी ना एक्सपीरियंस हुए इतने सालों से इंडस्ट्री में. मोर ऑफ दैट आई गेस ही स्टिक विद यू सिंस द सिंस यू स्टार्टेड. ही वाज माय कोच टिल द टाइम आई टर्न प्रो एंड देन ही वाज वेरी काइंड इनफ टू से कि भाई अब तू चले जा. यू टर्न प्रो व्हेन आई वाज इन स्कूल. Really? Yeah, I'm 26 right now. You are 26? 26. Wow. So you turned pro in 2017. I was in my graduation first. Bhai, itna bhi budha nahi hua yaar. School chala gaya hai ladka. But you, obviously, ab tab pura open hai, to apne apna main physique career tab start kiya hoga na, jab main school mein tha. Haan. I started in 2013. The first show I did was 20, like it's been 11 years now. Tab to men's physique ko koi nahi puchta tha. Matlab, it was like, kya hai ye? ये एक्चुअली इंडिया के अंदर में हिटअप चालू हुआ 2015 से. जब IBBF के अंदर हम लोग खेलते थे तो मुंबई श्री, महाराष्ट्र श्री में पहले आया, इंडिया में आया, फिर 2016 में मिस्टर मुंबई आया. आई वॉन्ट दैट शो टू. तो वो 2015 से आना, कैसे हो, 2015 से आना चालू हुआ एंड देन इट गॉट हिटअप कि भाई चलो ये है. प्लेटफॉर्म टीम इन इंडिया बूस्ट सब हुआ 2021 से. आई गेस दिस IHF हैव चेंज्ड द गेम. मतलब 2016 दे डिड फर्स्ट शो, देयर वाज नो प्रो शो और प्रो क्वालिफायर, इट वाज जस्ट अ मेल मॉडल सर शेरू क्लासिक. देन 2017 दे डिड अ एमेच्योर ओलंपिया व्हेन द टू लीग गॉट सेपरेटेड, द IFBB प्रो लीग एंड IFBB प्रो एलीट. And then 2018 was actually the pro qualifier series started. 2017 I turned pro and 2018 February mein they had first show in Bangalore. And main bol raha tha yaar mujhe India mein jeetna tha, matlab you know, main bola yaar ye aisa ho gaya na, bro, alag feeling hai winning in on your soil. Apne logo ke samne jeetne ki baat hi alag hai. I guess apne jaisa jo celebrate bhi kar raha tha ki bahar nahi hota itna, they you stand, make you stand, give the medal, give the pro and they ask you to go off. मुझे लगता है कि